नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार आज भी एक टाइट रेंज में ही है। कल करीब करीब 100 अंकों की रेंज थी, आज रेंज उससे भी टाइट है और हम देख रहे हैं कि 22,400 को अच्छे से निफ्टी होल्ड कर रहा है। 60-65 अंकों के आसपास की फिलहाल बढ़त है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 225 अंकों के आसपास की तेजी है, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में तेजी आज ज्यादा है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो निश्चित तौर पर वहां से संकेत ठीक ठाक हैं, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। मिड कैप में भी तेजी हो रही है, तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले दो बढ़ने वाले शेयर बाजार में आज हैं। आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में ठीक ठाक मजबूती है। अब बेस मेटल्स में लगातार हम मजबूती देख रहे हैं, उसके चलते मेटल इंडेक्स जो है करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडालको, ये तमाम शेयर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। और फार्मा में भी कुछ शेयर्स जैसे कि सिप्ला आज वहाँ पर बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहे हैं। इन्वेस्टर की एक अच्छी भी है सिप्ला को लेकर, जिसका फायदा हो रहा है। लेकिन कमजोर नतीजे जहां पर आए हैं, निश्चित तौर पर उन शेयरों की पिटाई हो रही है। टाटा कंज्यूमर हो गया या फिर M6 हो गया, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आखिरी के एक घंटे में बाजार का मोमेंटम थोड़ा सा ऊपर की तरफ और शिफ्ट होगा? आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे और अपने एक्सपर्ट से आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन हम ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास करने के हवाले हैं। 2:35 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी कि अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के दो दो शेयर जहां पर आज आपके लिए कमाई के बेहतरीन मौके होंगे। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आएंगे, ऑप्शंस का एक बढ़िया ट्रेड होगा। मार्केट एट 3:00 जहां पर बाजार खुलने के बाद शेयरों में कहां पर एक्शन है उसका पूरा का पूरा एक जायजा 1-2 में फटाफट आपके लिए हम लेकर आएंगे बाजार बंद होने से आधे घंटे पहले, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि शेयरों में क्या हो रहा है। 3:05 पर डेली रूम का हाल जानेंगे, लेकर आएंगे खबरगर में VTST या फिर एस्टिमेटेड ट्रेड 3:15 पर और इवेंट्स टू वॉच 3:20 पर। लेकिन फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार की मेजर हाइलाइट्स क्या है इस वक्त। 5 बड़ी बातों से कर लेते हैं हम शुरुआत। तो लगातार चौथे दिन तेजी है। निफ्टी है 22,450 के आसपास रेंज का ही कारोबार आज हम होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी बैंक है 48,200 के पास। कोटक बैंक से, एक्सिस बैंक से आज निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, डबल सेंचुरी लगाकर कर रहा है कारोबार। मेटल शेयर चमके हैं, सेल और NMDC में तेजी ज्यादा है 5-7% की। सेल जो है आज वायदा का ये टॉप गेनर स्टॉक भी है। फार्मा शेयरों में GSK, सिप्ला, ग्लेनमार्क में 3-6% की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। सिप्ला निफ्टी का टॉप गेनर है करीब करीब 3.5% के आसपास की तेजी के साथ। और कमजोर नतीजों से M6, टाटा कंज्यूमर, यहां पर आज हम गिरावट देख रहे हैं 4-5% के आसपास की। तो ये रहे बाजार के हाइलाइट्स। अब जरा आंकड़ों को समझते हैं। वैसे आज अगर हम विक्स देखें, कल तो भारी गिरावट थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई हरकत ही नहीं है। 10.25 के आसपास, 1% के आसपास की मजबूती के साथ ये रिकवरी बहुत कम है, इसके साथ ही ट्रेड कर रहा है। डिम्पी 50 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी है। आज भी पूरा दिन रेंज में ही बीत गया, घंटे भर का सत्र बाकी है, आगे एक्सपायरी खड़ी है निफ्टी बैंक की, तो आज ही हो जाएगी। आंकड़े संकेत क्या दे रहे हैं, किस तरह की एक्सपायरी निफ्टी बैंक की होगी और कल के लिए क्या संकेत है? देखिए, अगर आप मार्केट के लेवल्स को चेक करेंगे तो आपको 48,200 दिखेगा। ये 48,200 को पाने में बैंक निफ्टी को ज़्यादा समय नहीं लगा, उसने आके कर दिया। लेकिन 48,200 के ऊपर निकलने में पूरा दिन निकाल दिया, और यही बात हमने आपको सुबह भी रखी थी कि हमको जो लगता है कि मार्केट के अंदर अगर पुल बैक और कंटिन्यू होता है तो 48,200 पे आके सीरीज़ का एंड हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 48,200 के आसपास आके सीरीज़ एंड कर देगा। हमने सुबह आपके सामने ये पॉइंट भी रखा था कि अगर कोई डिप मिल जाए तो आप प्लस कर लेना, डिप मिला ही नहीं। तो आपने अगर डिप नहीं का इस्तेमाल किया, पुरानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए हैं, तो एक पॉइंट आपने और बोला था कि भाई 48,000 से 48,200 का जो रेंज है ना, वो टिपिकली आपके लिए हाथ बदला रेंज है। यानी कि यहाँ पर आके आपको अपने हाथ बदल लेने हैं। हाथ बदलने कहने का मतलब कि प्रॉफिट बुक करना चाहते तो कर लो। अच्छा, अगली सीरीज के अंदर फिर आपको रोल ओवर कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर समय बढ़वाना है तो। अगर समय नहीं बढ़वाना तो अगली सीरीज में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये एक पॉइंट था जो मेरे को आपको सिर्फ नोटिस करवाना था। दूसरा पॉइंट, आप चेक करो निफ्टी के लेवल्स भी। सुबह हमने आपसे कहा था 450 और 500 के लेवल, यानी कि 450 से 550 के बीच का एक रेंज होगा। आज का जो बाज़ार का हाई लगा है वो 475 का लगा है।
तो 450 से 550 वाली रेंज के बीच में बाजार को टिपिकली रेजिस्टेंस मिला और वो वहीं पे आके रुक गया। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट जो करंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आज निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्सपायर होंगे कल निफ्टी के होंगे, उन दोनों में डिस्काउंटिंग चल रही है। अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऑलरेडी हम लाइट सीरीज के अंदर जा रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली। तो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपको मैंने जैसे शुरू में कहा आज सिर्फ उन लोगों के लिए दिन है जिन लोगों के पास पुरानी पोजीशंस पड़ी हैं, जिनके पास नई पोजीशंस हैं उन्होंने क्या कमाया। आपको मैं एक पॉइंट बताऊं, उन्होंने आज कैसे कुछ भी नहीं क्यों कमाया। आप अगर याद करो सुबह एक बार जरा निफ्टी फ्यूचर हटाओ, खाली निफ्टी का दिखाओ एक बार, सुबह निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी आपको ध्यान है 50 पॉइंट से ऊपर हुई थी। खाली निफ्टी दिखाई, बॉक्स बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी दिखाओ, 50 पॉइंट से ऊपर हुई थी। अभी पॉइंट्स देख लो 33 पॉइंट्स है। आपने सुबह लिया, जब भी लिया, जैसे भी लिया, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं आ पाए, ठीक है, क्योंकि गैप से फंसे हुए थे। और आप यहाँ पे हाई और लो भी लिखा हुआ देख रहे होगे, 476 का हाई है और अभी हम 404 पे खड़े हैं उसी रेजिस्टेंस एरिया में। एक चीज़ आपको मैं और नोटिस कराता हूँ, इंडिया विक्स आज कुछ भी नहीं कर रहा है। इंडिया विक्स अगर कुछ नहीं करेगा ना तो इस तरह के डल सेशन आप आने वाले दिनों में भी देखोगे। या तो ये बढ़ेगा या तो ये यहीं रहेगा, इससे ज़्यादा आप इसको तोड़ नहीं पाओगे। 10 से नीचे, अब हमारे साथ ना 12 बजे में एक कार्यक्रम में हमारे एक मेहमान जुड़े थे, उनका नाम था राहुल शर्मा जीएम फाइनेंशियल्स के। वो कह रहे थे कि भाई 10 साल का हमने आइडेंटिफाई किया 10 साल में कि इंडिया विक्स 10 से नीचे कब गया, 4 बार गया। उस 4 बार में कहा कि 2 बार तो गिरा, 1 बार मार्केट के अंदर कुछ नहीं हुआ और 1 बार हल्का सा बढ़ा। तो जो भी लेवल्स निकल के आया उसने इनडायरेक्शनल आपको अप्रोच दिया, पूरा बटा हुआ वर्डिक्ट दिया। तो इसका मतलब जब हम जहाँ पे खड़े हैं और हम रोल ओवर कर रहे हैं लो विक्स के साथ, ये आपको या तो यही कंसोलिडेट कराएगा या तो बाज़ार को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कराएगा। और ऑलरेडी मैं आपको एक कंसर्न वार्निंग सुबह भी दे चुका हूँ कि रिटेल के पास 63% की लॉन्ग पोजिशंस पड़ी हुई हैं। रिटेल के पास DIs और FIs से ज़्यादा माल पड़ा हुआ है लॉन्ग का, और बाजार अपने आप को यहाँ पे आके शॉर्ट कवरिंग से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो थोड़ा सा अब आपको ट्रिम कीजिए रिटेलर्स वालों, तो अगर यहाँ पे आपको करना है तो ये बस यही मेरे को पॉइंट बताने। अब 2 शेयर ऊपर हैं 1 शेयर नीचे है, मेरे को ज़रा बताने के लिए नहीं है, मैंने मोटा मोटी आपको गाइडेंस के तौर पर बता दिया कि हाँ इस समय मार्केट का सेटअप कैसे बन रहा है। ठीक है, तो बाजार का ये सेटअप ऊपरी स्तर से तेज़ी गंवाकर अब सिर्फ 17 अंकों की तेज़ी हो गई है, और यही कहानी कल की भी थी। कल भी हमने देखा था कि 22,400 को होल्ड कर रहा था दिन भर निफ्टी, लेकिन आखिरी के 1.5-2 घंटे में मिजाज पूरा का पूरा ठंडा पड़ गया था। 22,388 ये स्तर है, हल्की सी मामूली तेज़ी रह गई है, ऊपरी स्तर से 84 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है निफ्टी। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं आशीष कपूर हैं, इसके अलावा आपको टेक्निकल नज़रिया शेयर करने के लिए, स्टॉक्स बताने के लिए, ट्रेडिंग कॉल समझाने के लिए सुदीप शाह हैं, कुणाल परार हैं और जतिन गेड़िया हैं। आशीष जी, सुदीप जी, कुणाल जी और जतिन जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है तीनों स्वदेश पर। एक आपसे हम लेंगे कुणाल, निफ्टी पर चूँकि आज भी सस्टेन नहीं कर पाया, जो भी तेज़ी हो रही थी सारी सारी हवा हो गई। आप ये बताइए कि आपको अगले 1 घंटे का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है निफ्टी में, और किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए अगर लेना है तो, या फिर अवॉइड करें अब लेना ट्रेड? पर मैं अब फिलहाल अवॉइड करूंगा क्योंकि जिस हिसाब से अभी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, प्लस आज अगर आप देखने जाओ तो कहीं ना कहीं आज एक्सपायरी भी है, तो मेरा जो व्यू है अभी फिलहाल अवॉइड करके चलने का ही बन रहा है। मैं कोई नई पोजिशन अभी फिलहाल नहीं बनाऊंगा। एंड अगर मैं आने वाले दिनों में अगर निफ्टी की बात करता हूँ तो जो बाउंस बैक अभी हमें रिसेंट डेज में देखने को मिला, यानी पिछले 3-4 दिन में जो बाउंस बैक देखने को मिला, उस बाउंस बैक के बेस पे मुझे लग रहा है कि 22,500 का एक हर्डल है। जैसे ही हर्डल क्रॉस होगा हमें ऊपर में 30,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। एज पर द OI एंड एज पर द चार्टिकली 22,500 का एक एज अ रेजिस्टेंस आ रहा है, बस वो क्रॉस करने का टाइम है। अगर जैसा ही क्रॉस होता है हमें नया ऑल टाइम हाई भी निफ्टी दिखा सकता है, तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। कोई भी गिरावट आती है खरीदारी करके ही चलना चाहिए, लेकिन अभी 1 घंटे के ट्रेड के लिए अगर आप मुझे पूछो तो मैं अभी अवॉइड करूंगा। ठीक है, बिल्कुल, हमारी जो व्यू थी जो डिब्बी ने आपको सलाह दी थी सुबह के सत्र में कि बाय डिप्स का ही मार्केट है और 22,500 के आसपास ही बाजार के लिए रेजिस्टेंस होगा। कुणाल जी का भी यही मानना है कि उसको पार कर लिया तो फिर से हम नए हाईज भी देखेंगे बाजार में, तो मोमेंटम को लेकर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ इस लेवल पर यहाँ पर जहाँ पर बाजार फंसा है अभी, आज के लिए कम से कम इसको अवॉइड कीजिए, थोड़ा नीचे आ जाए बल्कि आपको वहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। चलिए अब ये जानेंगे कि आपके लिए
शेयरों में ट्रेड करके पैसे बनाने के मौके कहां पर हैं, लेकर आएंगे फटाफट क्लोजिंग ट्रेड्स। क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे सुदीप जी, आपसे बताइए आपके रिकमेंडेशन क्या है, कहां पर आपको अच्छी तेजी दिख रही है? गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। जो हिसाब से मुझे लग रहा है कि मोमेंटम मार्केट में निफ्टी में तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, हम वही डिस्कस कर भी रहे, पर स्टॉक स्पेसिफिक काफी थीम्स में पैसा बन रहा है, जैसे मेटल्स है, फिर पीएसयू स्टॉक्स है, डिफेंस है और रेलवेज के सेक्टर्स में काफी एक हिलचाल दिख रही है सुबह से, और काफी स्टॉक्स में बहुत अच्छा बढ़िया मोमेंटम नजर आ रहा है। तो एक स्टॉक मेटल सेक्टर से जहां पे मुझे लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे काफी अच्छा बन रहा है, प्लस कंसोलिडेशन में से स्टॉक ब्रेकआउट भी दे रहा है और स्टेडी एक अपमूव ये काउंटर में रह सकता है पोजिशनली, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने देखा है कि तकरीबन पिछले 5-6 सेशंस का जो कंसोलिडेशन था उसको एंगल्फ करके अब स्टॉक बाहर निकला है, वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी हो रही है और अब स्टॉक अपने जो हाईएस्ट लेवल ऑल टाइम हाई उससे सिर्फ 1.5% दूर से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बहुत बढ़िया बना हुआ है, मेटल स्टॉक्स में तेजी भी है, डॉलर इंडेक्स में भी हमें थोड़ा वीकनेस नजर आया था, 105.50 तक डॉलर इंडेक्स आ गया है, तो यहाँ पे मेटल इंडेक्स की जो तेजी है और जेएसडब्ल्यू स्टील का जो स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से 860 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टील को खरीदा जा सकता है 920 के टारगेट के लिए। दूसरा एक स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर। अब पीएससी स्टॉक्स में काफी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, पिछले 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन था एक प्रायर अपमूव के बाद उसको स्टॉक वहां से ब्रेकआउट दे रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉनकॉर का डेली वीकली मंथली सारे टाइम फ्रेम पे हम चार्ट्स यदि छान ले तो बढ़िया सेटअप है, 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है पिछले 12 से 14 सेशंस से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा बाइंग सेटअप है 950 के स्टॉप लॉस के साथ 1010 और 1020 के टारगेट्स के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन को बाई किया जा सकता है। ठीक है, दो शेयर सरकारी शेयर चल भी रहे हैं, फिर से मोमेंटम दिख रहा है, एक दौर की प्रॉफिट टेकिंग आ गई है और उसके बाद फिर से चल रहे हैं। आज आप देखेंगे डिफेंस के जो पीएसयूज हैं, शिपिंग रिलेटेड जो कंपनीज हैं वहां पर बहुत शानदार मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन कॉनकॉर खरीदने की सलाह है सुदीप की तरफ से, 1020 के टारगेट और 950 रुपये के स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। और दूसरा शेयर है आज मेटल में मूड बहुत अच्छा है, जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी का सेकेंड टॉप मोस्ट गेनर है, वहां पर आपके लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है 920 के टारगेट, यानी कि मौजूदा स्तर से तकरीबन 40 रुपये ऊपर के टारगेट है और 18-20 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस, 860 का स्टॉप लॉस, 920 के टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। जतिन आपके शेयर कौन से हैं, आपके लिस्ट में कहां कन्विक्शन है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, तो हमारा भी कन्विक्शन मेटल स्टॉक में है, जैसे सुदीप ने बताया कि डॉलर इंडेक्स और ओवरऑल मेटल सेक्टर की जो आउटलुक है वो भी शेयर सिमिलर व्यू, इसमें मेरा जो पिक होगा वो हिंडाल्को होगा। तो हिंडाल्को मैंने देखा है कि पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा था, वो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है और ओवरऑल जो बिरला ग्रुप के स्टॉक्स है वहाँ कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, तो मैं हिंडाल्को के साथ लॉन्ग करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 615 का और मैं टारगेट इसमें 665 के और 675 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो दूसरा मेरा रिकमेंडेशन होगा वो दालमिया भारत पे होगा, तो दालमिया भारत में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट हो गया है और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा बुलिश कैंडल बना रहा है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्स हो रहा है इसमें, इसके लिए एक इसमें नई पोजिशन बनाई जा सकती है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1955 का और टारगेट मेरे 2110 के रहेंगे। ठीक है, दो शेयर सीमेंट पैक में भी कुछ कुछ एक्शन है, डालमिया भारत को खरीदने की सलाह है जतिन जी की, 2109 रुपए का टारगेट, 1955 रुपए का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है वो है हिंडाल्को, एक मेटल सुदीप जी ने लिया, एक मेटल जतिन जी ने ले लिया। आपके पास आएंगे कृणाल जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, कोई मेटल भी है, कोई सरकारी कंपनी है? well,
मेरे लिस्ट में दो स्टॉक है। पहला, सबसे पहला पावर ग्रिड है। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आज के दिन में देखने को मिल रही है, एंड लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। खरीदी करके चलने की सलाह है 280 के एसएल के साथ। टारगेट 300 का पहला रहेगा, और जैसे ही 300 ब्रेक होता है 314 का दूसरा टारगेट भी हमें ये दिखा सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो LIC हाउसिंग है। 677 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर खरीदारी करके चलने की सलाह है 658 के एसएल के साथ। टारगेट 692 एंड 715 का होगा इसमें। ठीक है, दोनों के दोनों सरकारी शेयर LIC और पावर ग्रिड को भी खरीदने की सलाह है कुणाल जी की तरफ से, लेकिन इस बीच नतीजे आ गए हैं DCB बैंक के आपके स्क्रीन पर, और 1.25 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। नतीजे आने के बाद तुरंत हमने शेयर को ऊपर जाते हुए देखा है, और NII यानी कि ब्याज आय नेट इंटरेस्ट इनकम 4.5% बढ़कर 507 करोड़ रुपये पर पहुंची है। ये सालाना आधार पर ये आंकड़े हैं। देखना होगा कि बाकी आंकड़े कैसे आते हैं, PPOP के आंकड़े कैसे आते हैं, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के और प्रॉफिट के आंकड़े कैसे कंपनी रिपोर्ट करती है, लेकिन NII ठीक ठाक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी देखना होगा, लेकिन जो पहला आंकड़ा है बाजार उसको पसंद कर रहा है, और उसके बाद हम शेयर में देख रहे हैं कि 3% के आसपास की ठीक ठाक तेज़ी अब इसमें हो गई है। मुनाफा 9.5% बढ़ा है, मुनाफे का आंकड़ा भी ठीक ठाक लग रहा है। DCB बैंक है, इस पर एक व्यू दीजिए आप आशीष जी, क्या करना चाहिए DCB बैंक में, कैसा लगता है बैंक आपको, और ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लग रहा है सर? को अभी अभी रिजल्ट आया है, ज्यादा कोई ऐसा एनालाइज करने का टाइम तो मिला नहीं मेरे को। बट मेरे ख्याल में जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं इनमें मेरे हिसाब से आपको निवेशित रहना चाहिए। काफी देर से काफी फोकस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहा है, तो ये सारे फेडरल बैंक, DCB, इन सबको, IDFC फर्स्ट, इन सब में मेरे मुताबिक आप डिक्लाइंस में बाइंग के ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि रिलेटिवली इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और जैसे जैसे इकॉनमी बढ़ेगी इन सब के फायदे आगे चल के होंगे। तो इंक्लूडिंग DCB, आई थिंक जनरली आउटलुक इज पॉजिटिव, बट इमिडिएटली ऐसा कोई मैंने वो कोई एनालाइज नहीं किया हुआ, ना ही मैंने रिजल्ट को, अभी 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 रिजल्ट आया है तो कोई देखने का भी टाइम नहीं मिला। ओके ठीक है, कोई बात नहीं सर। एक दो शेयर जरा सुदीप भाई आपसे मैं पता करता हूँ, जरा आप जरा चेक कीजिएगा। जिंदल 100 एक बार जरा ये चेक करेंगे, जिंदल 100 से जुड़ी हुई कंपनी एक नाम है इसका, जिंदल 100 सर जरा चेक करना है। हाँ, ये शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको? मैं थोड़ा BTST भी करना चाहता हूँ, थोड़ा रखना भी चाहता हूँ इसको। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस पार कर रहा है 3-4 बार का बना हुआ। एक बार मेरा वाला चार्ट भी दिखाना। हाँ, डेली चार्ट आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस भी नोटिस करवाता हूँ सर। सर जरा ये देख के बताइए, और अच्छा है मतलब इसकी आज की कैंडल और आज का वॉल्यूम आप दोनों चेक करोगे ना, बहुत बढ़िया बढ़िया दिखेगा आपको। सर जरा गाइड करना जिंदल 100 में। डिम्पी जी, ये ठीक नहीं, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। यदि हम देखिए तो एक प्रायर अप ट्रेंड में स्टॉक था पिछले 12 महीने से, फिर एक हल्का सा डिप आया था मार्च महीने में, 200 दिन का मूविंग एवरेज वहां पे रीटेस्ट हुआ था 2 बार, और फिर से हमने देखा कि एक स्टेडी अप मूव और कंसोलिडेशन हुआ था पूरे अप्रैल में। आज वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया है, और अगर एक ट्रेंड लाइन, आप डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करिए तो वहां से भी एक ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है। आज मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा पिछले 10 दिन या 12 दिन का हाइएस्ट वॉल्यूम आज हुआ है। मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये स्टॉक में बना हुआ है, इसको BTST करके भी जा सकते हैं, और इसको एक पोजिशनली भी एक नए अपसाइड के लिए, 12 से 15% के अपसाइड के लिए भी इसको बाय एंड होल्ड किया जा सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है इसके लिए अगर यदि यहाँ पे कोई फ्रेश पोजिशनिंग कोई करता है तो उनके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 510 का, और अपसाइड में मुझे लग रहा है लेवल्स 565 से लेके 580 तक के पोजिशनली आ सकते हैं, और अगर BTST परस्पेक्टिव से है तो 555 के आसपास के लेवल्स 525 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, शेयर भले 7% ऊपर है, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट के जो रेजिस्टेंस है, हम 7% चले हुए शेयर्स को कैसे प्लस करें, तो उसका एक तरीका है, थोड़ा सा माल यहाँ पे लिया जाए और डिप के वेट कर लिया जाए। शेयर अच्छा होता है, कई बार डिप मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता, इसलिए हाँ में और ना में आने के लिए थोड़ी बहुत पोजीशन ले ली जानी चाहिए, और थोड़ा बहुत पोजीशन चेक एंड बैलेंस के लिए नीचे छोड़ देना चाहिए। जिस चार्ट की मैं आपको बात कर रहा था उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं फिर से नोटिस करवाता हूँ, दिखा भी देता हूँ। एक तो मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया जिसको पार कर रहा है, आप एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाएं वो वाला चार्ट, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया जिसको पार कर रहा है। दूसरा पॉइंट है पहली बार
एवरेज 50 दिनों पे लेता था, जब 200 दिन के एवरेज लिए फिर से उसने दिन 50 दिन वाला कंसेप्ट अपना ले आया, और नीचे वॉल्यूम मैंने आपके लिए अलग से मार्क करवा दिया, आप चेक कर लेना, इस तरह की बार आपको और कहीं नहीं मिलेगी पिछले 1.5-2 महीने में। तो ये बढ़िया प्राइस वॉल्यूम दोनों का ब्रेकआउट है, और छोटा सा ये साइडवेज कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट है। तो जिंदल सो रखना है ध्यान, बस ध्यान इस चीज़ का रखना कि प्राइस और एंट्री का लेवल आपको खुद से चेक करना होगा। एक शेयर और भी है सर इसी तरह से मेरे पास लिस्ट में, जरा मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, वह है बायकॉन। मैं इसको सीरीज का स्टॉक मानता हूँ, आज का नहीं, आज तो चल ही रहा, आज तो अलग वजह से चल रहा है। एक बार जरा बायकॉन शेयर। अच्छा, ये ऑप्शंस के चैंपियन के लिए अमोल जी हो गए तैयार हमारे साथ? अमोल जी हैं तैयार? ठीक है, तो एक काम करते हैं, बायकॉन बाद में देखते हैं, पहले अमोल जी को लेके आइए। अमोल जी नमस्ते, ऑप्शंस का चैंपियन वाली स्टिंग चलाओ सर के लिए। अमोल जी नमस्ते, माफ़ी चाहता हूँ, आपको वेट करवा रहा था। अच्छा किया मेरे को प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया कि आप लाइन पे नहीं, तो फिर बायकॉन के चक्कर में और लेट हो जाते। अमोल भाई बताइए, कौन सा शेयर की ऑप्शन ढूंढी आपने? इंडेक्स तो नहीं ढूंढ रहे होंगे आप? नहीं जी नमस्ते, मुझे ICICI बैंक का 1120 का मेन सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है, 20 रुपए के आसपास चल रहा है, 35 रुपीज तक का टारगेट है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टाइम लेगा, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 14 रुपीज का, मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,500 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4,200 का। करेक्शन के बाद स्टॉक रिवर्स हुआ था और अभी 20-day सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है, तो मैं ट्रेंड के साथ बना जाना चाहूंगा। ठीक है, आप ट्रेंड के साथ जाना चाहेंगे। अमोल भाई मेरे को एक सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपसे और पता करना है, इसमें आपका कन्विक्शन कितना है? ये कन्विक्शन है 70% से ऊपर का? जैसे कि मैंने कहा कि ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और मे सीरीज के लिए है, और थोड़ा टाइम ले सकता है, बट पिक्चर ओवरऑल शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों पॉजिटिव है, तो गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने के पूरे चांसेस है। पूरे चांसेस है, ठीक है सर, एग्री ऑन दिस पॉइंट, और मेरे को भी लगता है कि ऐसा कर भी देगा ये, और होना भी चाहिए। और ICICI बैंक अगर लीडरशिप नहीं लेगा तो कब तक HDFC के बहाने हम निफ्टी बैंक को चेक करते रहेंगे? तो इसलिए ICICI बैंक की इस कॉल का फायदा उठाइए, थोड़ा समय लगेगा। 20 रुपये की है, मई सीरीज है, इस बार शायद मई सीरीज 29 तारीख तक की है, तो लंबा पूरा महीना मिलने जा रहा है आपको। मैं बस चेक कर लूँगा 29 मई तक की इस बार डेरिवेटिव एक्सपायरी है। 14 का स्टॉप लॉस है, 3500 रुपये का टारगेट है, 10,500 तक का प्रॉफिट है। ठीक है अमोल जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अब मैं जिस शेयर के बारे में बात कर रहा था वो वापस से सुदीप के पास जाता हूँ। सुदीप, बायकॉन आप वीकली चार्ट देखिएगा, इसका मंथली देखेंगे तो डेली देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, वीकली में आपको ज़्यादा साफ सुथरा दिखेगा। स्ट्रॉन्ग बेस है सर इसके पास, मैं एक बार चार्ट आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ आपके सामने ही। देखिए सर, ये बढ़िया वाला बेस हमारे पास है और एवरेजेस का ब्रेकआउट कर रहा है शेयर, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ब्रेकआउट होगा और अच्छे से मूवमेंट देगा। ये सर मैंने आपके लिए मार्क भी कर दिया है, जरा मेरे को बताइए इसके चांसेस कितने हैं कि ब्रेकआउट करके और खिंचेगा ये शेयर ऊपर? डिम्पी जी, जो मुझे लग रहा है जो बायोकॉन में जो मूव आ रहा है, पहले तो हमें ये देखना है कि निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है। अगर निफ्टी फार्मा में वीकनेस है और सामने बायोकॉन में ये स्ट्रेंथ है, तो एक तरीके से ये आउट परफॉर्म कर रहा है अपने ही सेक्टर को, और यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब स्टॉक की बात करें तो पिछले जो 4-5 हफ्तों का जो ट्रेडिंग एक्शन हुआ है, वहां से स्टॉक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो जो कंसोलिडेशन जो हुआ था, इनफैक्ट 4-6-7 हफ्ते की अगर बात कर ले तो भी ये वही रेंज में है, 290 और 260 ऑन द डाउन साइड, 255-60। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से अभी वॉल्यूम बना है और साथ साथ में जो आप ओपन इंटरेस्ट में भी आप एक्शन देख रहे हो, मुझे लग रहा है यहाँ से एक चाल और बन सकती है। मे भी थोड़ा कंसोलिडेट और करे एक आध दिन, या ज्यादा से ज्यादा एक या दो दिन कंसोलिडेट करे, क्योंकि ये बहुत तैयार है ब्रेकआउट के लिए। और ओवरऑल मुझे लग रहा है जब तक ये 281 का जो लेवल है, जो लास्ट टू लास्ट वीक का जो हाई है 83-82 का, बस वो जोन जब तक ये होल्ड करता है ना, तब तक मुझे लग रहा है एक अपमूव 308 और 312 तक का बायोकॉन में आ सकता है, वहां पे एक बार रेजिस्टेंस आएगा। पर ये 283-282 के स्टॉप लॉस के साथ लेने लायक स्टॉक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है विद इन द फार्मा स्पेस, और ये आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छा मोमेंटम दे सकता है। आशीष कपूर भी हमारे साथ है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से टाइम निकाला। सर सभी लोग ये कह रहे हैं, ये टेक्निकल्स वाले भी कह रहे हैं और डेरिवेटिव्स के ट्रेड वाले भी कह रहे हैं कि भी केमिकल्स का शेयर एक नए साइकिल में वापस ऊपर जा रहा है,
तो एक तो आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि इनके डाटा बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट सर, इसमें भी SRF है, नवीन फ्लोरिन है, टाटा केमिकल्स है, इन सभी शेयर्स में से आपका कोई पसंदीदा शेयर है तो ज़रा वो भी बताइएगा। और पहला इस कन्विक्शन पे आप कितना है कि भाई केमिकल्स का साइकिल टर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है, इनको बेनिफिट मिलेगा? देखो उसपे तो मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ, ना सिर्फ साइकिल टर्नआउट हो रहा है बट अंडर ओनरशिप भी है, क्योंकि काफी देर से सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, तो उस तरह से तो मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क भी मिनिमाइज है और अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छा है। दैट डेफिनेटली इज अ येस फॉर मी। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की सवाल है, मेरे मुताबिक आप टाटा केमिकल्स डेफिनेटली एक मेरा टॉप पिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं समझूंगा कि अगले अगले 6 महीने से 1 साल में बहुत अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। और इसके अलावा जो अगर आप थोड़ा मिड कैप में अगर जाना चाहें तो DCW एक स्टॉक है, 57 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें एक तरह से अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके हाई रिटर्न की अपेक्षा करते हैं तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। आपसे शेयर भी मिल गया, आपसे कन्विक्शन भी मिल गया, यही चीज़ मैं आपसे चाहता था। और जिसे कहते हैं ना कि आप सागर में गागर भर के दे देते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, इसलिए फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर आप मेरे पसंदीदा एनालिस्ट में से एक हो। एक और चीज़ भी है, मैं आपको आइडिया का शेयर भी ज़रा नोटिस करवा देता हूँ। आइडिया का शेयर आज करीब 9% नीचे है। कल हम ही थे आपको बार बार कह रहे थे कि आइडिया रख लो, आइडिया रखो। एक्चुअली में क्या है ना, इसके अभी भी आप रखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये ख़राब है। ये कल जितना चला था ऑलमोस्ट उतना वापस आ रहा है, क्योंकि आज ना शेयर अलॉट हो गए हैं सबको, तो FPO के शेयर आ गए। अभी मेरे को कोई रास्ते में भी मेरे को मिला, उनको बोला, उन्होंने मेरे को बताया कि आज आज मेरे को शेयर अलॉट हुआ। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आप इन शेयर को बेच दोगे क्या? बोले नहीं नहीं मैंने कोई फ्यूचर व्यूचर में हैज नहीं कर रखा था, वो तो वैसे भी बैन वैन में था तो काम तो हम वैसे नहीं कर सकते थे। और एक अच्छी चीज़ थी, बैन का कई बार बेनिफिट भी मिलता है। आपको मालूम है जब इनको शेयर्स मिल रहे थे ना उस समय आइडिया बैन में था, तो आइडिया के फ्यूचर से हैजिंग नहीं हुई है, ये तो सिर्फ अलॉटमेंट आई हुई है 11 रुपये की, तो आज सामने 13 रुपये का रेट दिखता है। तो सामने वाले को लगता है भी ठीक है, अगर 1 लाख शेयर भी मेरे अकाउंट में आ गए हैं तो भाई मैं बेच देता हूँ, 1-1.5 लाख रुपये का मेरा प्रॉफिट है। ये शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन हो रही है बस, तो इसलिए एडजस्टमेंट्स को पूरा हो जाने देना। वोडाफोन आइडिया फिर से हम बार बार हम बीच में देखते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी है 22,400 के आसपास, बिल्कुल उसी लेवल से फ्लर्ट कर रहा है, 36 अंकों की हल्की सी तेज़ी है और निफ्टी बैंक में है 216 अंकों की तेज़ी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी कुछ खास चेंजेस नहीं है, स्टॉक्स में भी बहुत चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। हाँ, में और स्मॉल कैप में वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी हम उथल पुथल देख रहे हैं, काफ़ी कुछ शेयर चढ़ रहे हैं, कुछ शेयर गिर भी रहे हैं। लेकिन हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट थ्री का वक्त हो गया है। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव बताइए किन शेयरों में एक्शन हो रहा है? जी हाँ, अगर आज खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नतीजों की, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। और अगर सबसे पहले बात करते हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जहाँ पे इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो 25% से बड़ा है, और इसी के चलते हुए हमने नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पर तेज़ी देखने को मिली थी, 11% से बड़ा है, पैट 9.3% से बड़ा है। बट कहीं पर अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस NPA नेट NPA में कहीं पर हमें डिटोरिएशन देखने को मिला था, जैसे कि नेट NPA अगर बात करें तो 4 बिप से ये जो डिटोरिएट हुआ है, और इसी के चलते हुए ये बैंक एक फोकस में रहने वाला है। अगली बात करते हैं DCB बैंक की, क्योंकि इसमें भी अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो 4.4% से बड़ा है, पैट जो है वो 9.5% से बड़ा है अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो। और इसी के साथ साथ अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस NPA में कहीं पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 20 बिप्स का, और नेट NPA में कहीं पे हमें 11 बिप्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और इसके लिए काफ़ी थोड़ा एक पॉजिटिव रिपोर्ट हम बोल सकते हैं DCB बैंक के लिए, ये जो अगर जो नतीजे अगर हमारे पास आए उसके बेसिस पे। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई पेट्रोकेम की, क्योंकि अगर इस स्टॉक की बात करें तो उसमें अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो वो 2% सिक्वेंशियली ऊपर है, एबिटा जो है वो 53% से ऊपर है, और इसी के चलते अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो ये जो मार्जिन्स है वो अभी 5.9% पे है, जो कि पिछले क्वार्टर में ही 3.9% पे थे, तो एक काफ़ी पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिला है। इसी के साथ साथ कंपनी ने 55 रुपीज़ पर शेयर का अनाउंस किया है डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और इसी के लिए एक तेज़ी देखने को मिली थी चेन्नई पेट्रोकेम में भी। अगली बात करते हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज की, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक डेटा आ चुका है हमारे पास, और अगर उसका हम माने तो जैसे कि नेट रेवेन्यू है वो 20% से बड़ा है ऑर्गेनिकली, और ये जो रेवेन्यू है वो बड़ा है। इसी के साथ साथ अगर हम बियर के वॉल्यूम्स की बात करें तो लो टीन्स में ये जो बियर के वॉल्यूम्स है वो बड़े,
और अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करें इसी की, तो लो 20s में जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ सूत्रों के मुताबिक ऐसे भी आया है कि ऑर्गेनिक बियर वॉल्यूम जो है वो 4.7% से बढ़ा है ग्लोबली, जो कि अनुमान था 2.1% का ही, तो उसमें भी एक तेज़ी देखने को मिली है। और इसी के चलते हुए एक पॉजिटिव वेव हमें यूनाइटेड ब्रूवरीज में भी देखने को मिल सकती है। और आखिर में बात करते हैं जीपीटी इंफ्रा की, तो जहाँ पे कंपनी को 487 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है, कंपनी के जेवी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इस जेवी में जीपीटी इंफ्रा का जो शेयर है वो 26% का होने वाला है। सेंट्रल रेलवे से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इसी के चलते हुए एक पॉजिटिव न्यूज़ इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके ये स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे पास आ चुका है, और इसी के साथ साथ अर्निंग्स जो है वो भी चालू हो चुकी है। तो ये तमाम स्टॉक्स जीपीटी इंफ्रा ऑर्डर के दम पे चल रहा है, नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि चेन्नई पेट्रोल में बहुत शानदार तेजी है, 17% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और एक साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। चेन्नई पेट्रोल पर आपसे कुणाल जी भी उलेंगे, बढ़िया बीता है इसके लिए पिछला महीना भी, आज शानदार तेजी है, डिविडेंड बड़ा अच्छा दिया है, 55 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा है, बिड्डा हर जगह प्रदर्शन अच्छा है। चेन्नई पेट्रो यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं, क्या फ्रेश लॉन्ग करना है या फिर ज्यादा हीट हो गया अब थोड़ा सा नीचे आए तो कोई पोजीशन लेनी चाहिए? वेल, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह तो नहीं रहेगी क्योंकि ज्यादा हीट हो चुका है ये काउंटर, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और जो वीकली चार्ट पे 1036 का जो लेवल था उसका जो ब्रेकआउट दिया हुआ है वॉल्यूम के साथ, लाइकली चांसेस ऑफ फर्दर ये अफेक्ट की मोमेंटम और हमें दिखा सकता है ऊपर में 1160, और 1160 अगर ब्रेक होता है तो 1400 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो मेरा व्यू इतना ही है कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करके रखिए, नई पोजीशन अभी फिलहाल नहीं बनानी है, और अगर में कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 950 तो ही हम यहाँ पे नई पोजीशन बना के चलेंगे। ठीक है, चेन्नई पेट्रो को लेकर ये व्यू। डिक्सन टेक आप सुदीप जरा चेक कीजिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी इसमें दिख रही है, 8000 रुपये के ऊपर, 8124 रुपये का इसने हाई भी बनाया है 52 हफ्ते का। डिक्सन टेक आपको लगता है कि अभी और चलेगा? आशीष जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से डिक्सन टेक में मोमेंटम है, प्रायर एक अप मूव में स्टॉक था, और ये स्टॉक की एक खासियत रही है, अगर आप इसे नवंबर 2023 से देखें तो हर बार एक अप मूव आता है बड़ा सा, फिर उसके बाद कुछ दिनों तक ये स्टॉक कंसोलिडेशन में फिसल जाता है, फिर से वापस से ब्रेकआउट देके कंसोलिडेशन, तो ये 3-4 दफा इसने ये किया है, और पिछली बार भी हम देख रहे हैं ये अप्रैल फर्स्ट वीक में एक रैली आया था 7950 तक, उसके बाद स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन में चला था, लेकिन ये कंसोलिडेशन में एक बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20 दिन जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे ये बहुत ज्यादा समय नहीं बिताता है, तो हर बार वो लेवल को रिटेस्ट करता है या उसके प्लस माइनस 1.5% नीचे जाता है तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ जाता है, और यही एक सिग्नल होता है, साइन होता है कि एक स्टॉक का अप ट्रेंड, एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, और हर एक डे पे वहां पे आपको स्ट्रेंथ से बाइंग, लोअर लेवल से वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आता है, तो मुझे लग रहा है, और इस बार जो अभी ये ब्रेकआउट आया है पिछला पूरा कंसोलिडेशन के ऊपर निकला है, मुझे लग रहा है एक नई चाल की तरफ ये स्टॉक चल रहा है। 7950 पोजिशनली जो लेवल है वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा, 7950 जब तक होल्ड करता है तब तक डिक्सन मुझे आने वाले एक दो सप्ताह में 8350-8400 तक के भी लेवल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू, 8350, 8350, 8400 रुपये तक के स्तर आपको देखने को मिलते हैं। डिफेंस शेयरों में आज अच्छी तेजी है, और डिफेंस में अगर हम HAL की बात करें 4% की तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा है, बहुत बढ़िया कहेंगे हम शेयर है ये, पिछले अगर हम 7 महीने पहले इसमें स्प्लिट आया था उस भाव से भी ये शेयर फिर अब डबल होकर कारोबार कर रहा है। HAL पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे आशीष जी, HAL आपको कैसा लगता है, और डिफेंस की स्टोरी चूंकि लंबी स्टोरी है, मेक इन इंडिया की थीम है, आत्मनिर्भर भारत वाली थीम है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्तर से भी कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है? मेरे मुताबिक डिफेंस की स्टोरी अभी इट्स स्टिल इन अर्ली स्टेजेस, मेरे मुताबिक ये काफी और चलनी है, ऑफकोर्स थोड़ा मैं भी कहूंगा कि थोड़ा सा पॉलिटिकल रिस्क है बिकॉज अभी इलेक्शन का टाइम है, बट अदरवाइज मेरे को लगता है कि ये स्टोरी अभी बहुत कम से कम 5-7 साल और चलनी चाहिए,
एंड उसमें HEL, DEL, तेजस नेटवर्क्स, ऐसे जो स्टॉक्स MTR टेक्नोलॉजीज, मतलब ऐसे जो स्टॉक्स मिड कैप में भी हैं, प्लस जो टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं डिफेंस को. और HEL और BEL तो खैर ऑफकोर्स इस्टेब्लिश कंपनीज, ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, सरकारी कंपनीज हैं, इनमें कोई दो राय नहीं कि आगे अभी और बहुत ज्यादा रिटर्न इन्होंने देने हैं. तो कभी भी वीकनेस पे मेरे मुताबिक अगर मौका मिले, किसी टाइम मार्केट में झटका आए और नीचे के स्तरों पर मिले, तो कोई उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, दोनों में आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा कई और मिड कैप आइडियाज हैं, बट डिफेंस सेक्टर एज ऑन ऑन द होल मेरे मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आउटलुक है. और मेरे मुताबिक हर डिक्लाइन में, हर टाइम पे आपको इसमें बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए. ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करने की कोशिश आपको करनी चाहिए डिफेंस स्टॉक्स में। आज निफ्टी के तीन नतीजे आने वाले हैं, HUL, LTI माइंडट्री, एक्सिस बैंक। लेकिन कल जो संख्या हो जाएगी वो नतीजों की हो जाएगी चार। कल जो नतीजे आएंगे टेक महिंद्रा के, बजाज फाइनेंस के, नेस्ले के और इंडसइंड बैंक के, निफ्टी में ये चार नतीजों पर नजर रहेगी। लेकिन इंडसइंड बैंक को जरा समझते हैं और बजाज फाइनेंस को समझते हैं कि नतीजे कैसे आएंगे। इंडसइंड बैंक का अनुमान लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद बताइए, इंडसइंड बैंक क्या अनुमान है, कैसी उम्मीदें हैं और नजर कहां पर रहेगी नतीजों में? जी बिल्कुल, इंडसइंड बैंक फोकस में रहेगा। और स्टैंडअलोन नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है लगभग 17% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि थोड़ी सी मिले जुले एक्सपेक्टेशन से ओवरऑल, क्योंकि जो प्रोविजन्स होती है प्रॉफिट की, यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ का तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो थोड़ा हायर साइड में, तो वो उसको ऑफसाइड कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लो डाउन देखने मिल सकती है। और प्रोविजन्स हालांकि जो है गिरने वाली है, यानी कि एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट रहेगा। और पैट का लगभग 15% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। जो हाई यील्ड सेगमेंट्स है और जो हाई कॉस्ट बोरोइंग हो रही है उसका जो है डिपॉजिट से जो है ऑफसेट किया जाएगा। निम्स जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं वो स्टेबल एक्सपेक्टेड है 4.3% का। क्रेडिट कॉस्ट की ट्रैजेक्टरी है उस पर कंपनी की क्या रहती है स्टेटमेंट, उस पर जो है पूरा फोकस रहेगा। और हमने ऑलरेडी प्रोविजनल अपडेट देख लिया जहाँ पे एडवांसेस डिपॉजिट्स की अच्छी ग्रोथ आई थी, और जो रिटेल डिपॉजिट है हालांकि वहाँ पे थोड़ी सी मार ज़रूर पड़ी है। और लेकिन जो CD रेशियो होता है वो थोड़ा अभी कंफर्टेबल रेंज में है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स, करंट लोन लेवल ग्रोथ, डिपॉजिट ट्रैक्शन और जो कंटिजेंट बफर्स होगी जो कंपनी लगाएगी, तो उस पर जो है बाजार पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। बट ओवरऑल जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं अगर हम इंडसइंड की बात करें तो। ठीक है, मिक्स्ड नतीजे रहेंगे, मिले जुले रहेंगे। अगर पिछले एक तिमाही में अगर आप इंडसइंड बैंक को देखेंगे तो वोलेटाइल तो रहा है, लेकिन कहीं कहीं रेंज में ही ये शेयर रहा है। आपको करना क्या नतीजों से पहले ये हम जानेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तीस अंकों की बढ़त रह गई है निफ्टी के अंदर, और दिन भर की जो बढ़त थी धीरे धीरे करके मार्केट गवा रहा है। एक्चुअली मार्केट नहीं गवा रहा, मार्केट का रेजिस्टेंस उसको आगे नहीं जाने दे रहा। बाजार के अंदर फटीक नहीं, मैं फिर से वर्ड बोलता हूँ, बाजार के अंदर फ्यूल की कमी है, फटीक नहीं है। बाजार शॉर्ट कवरिंग करके आएगा ना, आ तो चुका है शॉर्ट कवरिंग तक। आप देखो ना, 21,800 से चलो 22,000 से मान लो, आप 22,000 से 22,450 ले आए हो, 450 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग के नाम पर कम होते हैं क्या जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हो? बाजार को यहाँ से कितना चलाओगे शॉर्ट कवरिंग से? 100 में से 80 लोगों को तो सिस्टम से बाहर ही कर दिया, तो फिर कहाँ से चलेगा? आप बाय करना नहीं चाहते। खैर एनी हाउ, यही चीज़ आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी दिख रही होगी। आप देखो ना, बैंक निफ्टी बार बार 48,200 पे जाता है, लेकिन वहीं से टकरा के फिर से नीचे आ रहा है। और ये दिन भर में चौथी अटैम्प्ट है, मैंने गिन रखी है, चौथी अटैम्प्ट है जब 48,200 के ऊपर जा रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। एक चीज़ हमने सुबह भी आपको नोटिस कराई थी, कॉल और पुट के बाहर हो तो एक ही टेबल में बैठे हुए दोनों लोग पैसा गंवाएंगे। मैं एक बार जरा आपको कॉल दिखाता हूँ, 22,400 वाली कॉल दिखाइए, 22,400 की ही पुट दिखाइए, इसी बार की एक्सपायरी की, 24 तारीख ऊपर लिखा होगा बॉस, ये 18 अप्रैल आप दिखा रहे हो निफ्टी वीकली, और 22,000 क्यों दिखा रहे हो? पहली बात तो 22,400 की आप अप्रैल वाली दिखाओ जो आज एक्सपायर हो रही है, 24-25 तारीख का होगा, उसके ऊपर 25 अप्रैल लिखा होगा। ठीक है, नहीं आ पाएगी, छोड़ दीजिए मैं, लेकिन आपको दोनों के वेस बता देता हूँ, दोनों के अंदर डिक्लाइंस है, प्रीमियम्स दोनों के इरोड हो रहे हैं। होता क्या, बाजार एक रेंज में रखता है और दोनों के प्रीमियम्स को ईट करता है,
और दोनों से पैसा कमा रहा है, एक ही टेबल में बैठे हुए मंदी वाला भी पैसे कमा रहा है और तेजी वाला भी पैसे कमा रहा है। एक और चीज़ प्रोड्यूसर साहब हमेशा याद रखा कीजिएगा, जब भी चेंज इन ओपन ट्रस्ट में NAN परसेंटेज लिखा हो उसका मतलब अपडेट नहीं हो रही है। ये वाली कॉल 25 अप्रैल लिखा है, निफ्टी लिखा है 22,400 लिखा है, आप देखो 13% है, ऐसी इसी की ही पुट भी होगी, वो भी दिखाओ जरा। ये सिर्फ प्रूव करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं, सुबह आपको बताया था और यही चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं कि देखो देखो कैसे पैसे चले जाते हैं। और ऑप्शंस में आज की रेट में आशीष सर तो जानते हैं, आशीष का तो बहुत बड़ा एक फर्म है और कंपनी चलाते हैं। ये देखो आप पुट के वैसे भी गए 40% और कॉल के पैसे भी गए। आशीष सर जानते हैं आज की रेट में 10 में से 8 लोग कम से कम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, कैश में तो करना ही खत्म हो गया, अब सिर्फ या तो फ्यूचर्स में होंगे या तो ऑप्शंस में काम कर रहे होंगे, और जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन ज़्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए दिखाना जरूरी है। आशीष सर ये बात ठीक है ना, ऐसा ही हो रहा है ना? आप तो खैर नहीं करते होंगे, आपके शायद क्लाइंट्स भी नहीं करते होंगे, लेकिन आपके ब्रोकिंग का एक्सपीरियंस तो यही रहता है कि बहुत सारे लोग ऑप्शंस में काम करते हैं ना डे ऑफ एक्सपायरी हीरो जीरो के कारण। नहीं बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस भी है एंड ऑल्सो इनकरेक्ट टू से कि ऑप्शंस नहीं करते, वी आई एम ऑल्सो इन द मार्केट सो ऑप्शंस में काम काफी होता है, मेरा अपना भी और मेरे क्लाइंट्स का भी। तो सिर्फ एक बताने के लिए था। अच्छा एक और चीज़, कल बजाज फाइनेंस के ना चौथी तिमाही के नंबर्स भी आ रहे हैं, नंबर्स कैसे रहेंगे बताने के लिए मेरी सहयोगी स्नेही मेरे साथ जुड़ रही है, उनसे थोड़ा डिटेलिंग करवा लेते हैं। स्नेही जरा बताइए कैसे नंबर्स आ रहे हैं बजाज फाइनेंस के? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पर अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है, रिजल्ट्स कल आएंगे जैसे कि आपने बताया। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि NII है वो 8077 करोड़ पर एक्सपेक्ट है, 29% का अपटिक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PPOP पर भी 30% का अपटिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिटेबिलिटी भी 16% ऊपर एक्सपेक्ट की जा रही है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। बट अगर हम NIMS की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन NIMS के फ्रंट पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल NIMS 10.3% पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कंपेयर टू 10.5% जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो ROA में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, 12.6% ROA एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू 5% जस्ट सिक्वेंशियल बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इतनी बड़ी अपटिक हम ROA पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ ROE पे थोड़ा सा हम कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 19.6% पर ROE की प्रतीक्षा है कंपेयर टू 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर हम Q4 अपडेट की बात करें कंपनी की तो कंपनी ने बताया था कि उनका FY24 AUM जो है वो 34% से बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं, डिपॉजिट बुक में भी हम 35% की अपटिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लार्जली हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, निम कॉन्ट्रैक्शन ये जारी रह सकता है इसकी उम्मीद है, प्रोविजंस शायद थोड़े से ऊपर जा सकते हैं ये टाइम, कॉस्ट टू इनकम रेशियो ज़्यादा हद तक स्टेडी रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से कम हो जाएंगे, 5 बेसिस पॉइंट से कट की एक्सपेक्टेशन है क्रेडिट कॉस्ट की, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बढ़ने की थोड़ी सी उम्मीद है। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे इन बजाज फाइनेंस के आंकड़ों में, उनका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या है, अनसिक्योर्ड लोन बुक की एसेट क्वालिटी कैसी है, RBI ने जो एक्शन लिया था EMI और ई-कॉम कार्ड्स पर अब उसका स्टेटस क्या है, मैनेजमेंट का सक्सेशन और ट्रांजिशन प्लान क्या है, और लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके हाउसिंग सब्सिडियरी के लिस्टिंग प्लान्स क्या है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम कल के आंकड़ों में पाने की उम्मीद रखेंगे। बट जी हाँ, अच्छे आंकड़े टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पे बजाज फाइनेंस की उम्मीद है कल। ठीक है स्नेही, एक मिनट के लिए आप मेरे साथ रुकिएगा, आपने इतने सारे नंबर्स बता दिए थे तो मैं लिख भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाऊंगा। आप मेरे को ना फिर एक काम कीजिए मेरे लिए, थोड़ा 10 में से ये बता दीजिए कितने नंबर इसके अच्छे आ रहे हैं, क्या मैं 6 नंबर दे दूं 10 में से कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, परसेंटेज में आप मेरे को बता दीजिए, सारी चीज़ आप ही कैलकुलेट कीजिए। आप प्रश्न रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि जितने आपने मेरे को नंबर्स बताया आप मेरे को मोटा मोटी बता सकते हो इसके नंबर ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं कि ज़्यादा खराब आ रहे हैं, 60% इसको मैं अच्छे नंबर्स मानूँ, 70% तक अच्छे नंबर्स मानूँ जो कल आ सकते हैं, ऐसा कुछ काउंट करूँ मैं? जी बिल्कुल, कल अच्छे नंबर्स की उम्मीद है बजाज फाइनेंस के लिए, तो ओवरऑल भी हम बहुत अच्छे आंकड़े एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के लिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बस यही सुनना था कि आप कह रहे हैं कि अच्छे नंबर आएंगे, मैंने इसकी रेटिंग 5 से ऊपर दी, यानी कि 7-8 तक की रेटिंग कर सकता हूँ। एक बार जरा कुणाल परार जी को दिखाइएगा। कुणाल जी, बजाज फाइनेंस का चार्ट मैंने डेली बेसिस पर है, लग तो रहा है कि शेयर में ज़्यादा क्रैक नहीं आएगा, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि चला तो फिर नंबर्स को बहुत अच्छे लेके आने पड़ेंगे, तब जाके शेयर चलेगा, नहीं तो साइडवेज भी हो सकता है। जरा देख लीजिए सर क्या करना है इसके अंदर। डिम्पी जी, मैं यहाँ पे वेटिंग वॉच करके चलने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप देखो तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ये स्टॉक बना रहा है, और जिसका ब्रेकआउट हमें 7,350 के लेवल के ऊपर मिलेगा। यानी आप कह सकते हो कि 7,350 के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन होगा, हमें वन वे ऊपर की मोमेंटम मिलेगी, जिसमें ये स्टॉक पहला टारगेट 7,830 का, और उसके बाद ऊपर में 8,200 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो नो डाउट आज 7,419 का हाई तो बना दिया है, लेकिन 7,350 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। सो अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर बाइंग दिस स्टॉक। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे चार्ट देख के, मेरे को भी ऐसा लग रहा है वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। आते हैं कुछ एक और स्टॉक्स पे जहां पर आज मार्केट का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। सेल है, सेल को बीटीएसटी करने की जरूरत है क्या जतिन? सेल को बीटीएसटी करें या फिर छोड़ दें? आज के आज का इंट्राडे प्रॉफिट बहुत होता है 7-8%। देखिए, अगर जो आपका व्यू सिर्फ बीटीएसटी का नहीं है तो आई थिंक डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। मेरे को लगता है आज जो स्ट्रॉन्ग अपू हमने देखने मिला है कल भी शायद कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए बीटीएसटी के तौर पे भी लेके जा सकते हैं। और ओवरऑल पोजिशनली भी अच्छा लगता है कि मेरे को लगता है 178-180 तक का इसमें एक और 15-10 टके का अपू इसमें पेंडिंग है, इसके लिए डेफिनेटली लेके जा सकते हैं सेल का काउंटर। ठीक है, सेल का काउंटर लेके जा सकते हैं। एक शेयर आज जिसने अपने परसेंटेज से हैरान किया, अपने स्ट्रेंथ से नहीं, वो तो हमको पता ही था वो तो चलना ही है, और कई बार हम इसको नोटिस करा चुके हैं, उस शेयर का नाम है UBL, यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड। आज ये 10% चला है, ये एक FNO का शेयर है, 10% पे फ्रीज होगा ये, अब ये बाद में खोलेगा, अब तो खोलेगा भी नहीं है। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, क्या बढ़िया स्ट्रांग मूव आया है, और एक लंबे कंसोलिडेशन का मैं बोलूँगा इसका ब्रेकआउट फाइनली हमको मिल गया। बार बार छोटी छोटी कैंडल्स बन के ये फिजल आउट हो जाता है, लेकिन इस बार क्या बढ़िया मूवमेंट आपने दिया, मैंने आपके स्क्रीन पे वो चार्ट भी डाल दिया। सुदीप भाई, एक बार ज़रा बताइएगा, आज मैं परसेंटेज से हैरान हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि किसी को जल्दी है, उसको कल तक की वेट भी नहीं करनी, एक ही दिन में 10% FNO वाले शेयर पर सर्किट लगाना। डिम्पल जी, इक्वली हैरान मैं भी हूँ, क्योंकि ये स्टॉक में यूनाइटेड ब्रेवरीज में ज्यादातर इतना बड़ा अपमूव एक सिंगल दिन पे बहुत मतलब मैंने देखा ही नहीं पिछले कुछ सालों में। तो जो हिसाब से आज ये स्टॉक में मूवमेंट आया है, इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन पिछले 7-8 दिन से चल रहा था और वहां पे वॉल्यूम्स भी सपोर्टिव थे, पर आज जो ये मूव आया है मुझे लग रहा है ये कुछ अलग ही सिग्नल दे रहा है। डेली वीकली, डेली चार्ट तो छोड़ दीजिए, अब तो वहां पे तो बड़ी डंडी बन चुकी है, बट वीकली और मंथली पे भी एक क्लीन ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आज तो अभी कोई पोजिशन नहीं ले पाएगा मेरे हिसाब से। बट ओवरऑल ये ट्रेंड की, अगर ये स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो ये एक क्लीन ब्रेकआउट है, और यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक जब तक 1930-1950 के लेवल होल्ड करता है पोजिशनली अगले 1-2 महीने के परस्पेक्टिव से, तो ये 2200-2300 की चाल चल सकता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे अगर किसी के पास होल्ड किया हुआ है तो उसे जरूर होल्ड करना चाहिए, और ये मूव्स को और ये जो गेन्स है करना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड बेवरेज ORG बीयर का जो वॉल्यूम रहा है, जो अनुमान था उससे डबल से भी ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आई है, और ये चीज़ जो है स्टॉक को प्रोपेल कर रही है ऊपर जाने के लिए। इसके अलावा मेटल में मूड आज बहुत अच्छा है, JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडालको, सेल, NMDC, सारे शेयर आज बढ़िया रफ्तार दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहाँ पर हैं। शुरुआत करेंगे जतिन जी आपसे, बताइए आपके BTST या फिर STBT के ट्रेड्स। देखिए, मेरा जो BTST ट्रेड होगा, मैं बाई साइड की तरफ ट्रेड दूंगा, मेरा BTST ट्रेड ग्लेनमार्क फार्मा में होगा। तो ग्लेनमार्क फार्मा में हमने देखा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मेरे को लगता है मोमेंटम कल भी जारी रहना चाहिए, इसके लिए BTST में ग्लेनमार्क फार्मा बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट मेरे 105 के रहेंगे और इसमें मैं स्टॉप लॉस 106-3 का लगा के इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड सजेस्ट करूंगा।
ठीक है, 1095 का टारगेट है, 1063 का इसमें स्टॉप लॉस है आपके लिए। ग्लेनमार्क फार्मा में ये सलाह है जतिन जी की तरफ से। कुणाल जी, आपके बीटीएसटी सर क्या है? मेरा बीटीएसटी आरसीएफ है। आप डेली चार्ट देखे, काफी अच्छा ब्रेकआउट आज के दिन में स्टॉक दिखा रहा है एंड 100 डीएमए के ऊपर भी स्टॉक है, जो मोमेंटम है वो स्टार्ट की है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 147 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं, पहला टारगेट 155 का है और जैसे ही ये ब्रेक होता है ऊपर में 161 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें कल के दिन में दिखा सकता है। तो आरसीएफ 147 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। ठीक है, 147 के स्टॉप लॉस के साथ आरसीएफ को खरीदने की सलाह है। सुदीप जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर आया सर, आप क्या बीटीएसटी करेंगे? आशीष जी, मेरे रडार पे दो स्टॉक है। जैसे हमने मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रेलवेज में थोड़ा मोमेंटम बढ़िया बन रहा है, तो मुझे लग रहा है एक स्टॉक जहां पे ब्रेकआउट आया है और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है पिछले 3 महीने का, वो है इरकॉन। इरकॉन में हमने देखा है कि एक ये रेजिस्टेंस जोन बना था 235-237 का, अब स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी हमें नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे सपोर्ट जोन से 214-217 का एक जोन था जहाँ पे पिछले 2-3 महीने से स्टॉक सपोर्ट लेना था, वहां से ये अच्छा पुल बैक है, रेजिस्टेंसेस को भी क्रॉस किया है, तो यहाँ पे बीटीएसटी प्लस शॉर्ट टर्म प्ले किया जा सकता है। इरकॉन में 236 के स्टॉप लॉस के साथ 255 के टारगेट के लिए। और दूसरा जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो इनफैक्ट इसका क्रेडिट मैं डिम्पी जी को ही देना चाहूंगा, वो है जिंदाल 100, जिनके बारे में हमने डिस्कस भी किया है पहले और बट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बीटीएसटी का, तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 555-560 के टारगेट आने वाले कुछ सेशन में आ सकता है। ठीक है, जिंदल 100 है और दूसरा इरकॉन। इरकॉन में कल भी हमने बड़ी तेजी देखी थी 6-7% के आसपास की और आज उसको कंटिन्यू कर रहा है, 2 दिन में बढ़िया तेजी हो गई है। 220 रुपये के नीचे का शेयर था, अब 250 रुपये की तरफ ये शेयर बढ़ गया है, डे हाई पर 244 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी, क्या गेल भी बीटीएससी कैंडिडेट है? गिल के चार्ट की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, यस मैं कह सकता हूँ ये भी एक बीटीएसटी कैंडिडेट है। हाली चार्ट पे देखने जाए तो मॉलिंगर बैंक के लेवल में ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, खरीदारी करके चले 207 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 202 का है। टारगेट की बात कर लेते, पहला टारगेट 211 का है और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में कल के ही दिन में 217 तक का भी लेवल दिखा सकता है, तो 202 के एसएल के साथ गेल खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, मार्केट बंद होने की कर रहा है तैयारी और इस बीच जो लेवल्स हैं आपके स्क्रीन पर आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा, आप देख भी लीजिएगा, नोटिस भी कर लीजिएगा। क्या क्या चीज़ें देखनी है जरा मैं आपको बताता हूँ। आज की क्लोजिंग में लेवल्स चेक करने, पहला 22,400 पे, 450 पे रुकना शुरू हुए तो दिक्कत आई, ये रेजिस्टेंस कन्फर्म हो गया, आपको एक दिन नहीं 2 दिन का रेजिस्टेंस कन्फर्म हो गया। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स ये 10 के आसपास है, या तो ये बढ़ेगा या तो ये रुकेगा। ठीक है, रुका तो आपको मोमेंटम नहीं देगा, चला तो बाज़ार को थोड़ा नीचे करेगा। ऐसा नहीं कि बाज़ार इससे इसी विक्स पे हाई भी बना चुके हैं हम, लेकिन फिर भी क्योंकि अब हाई अब पहले 14-15 वाले विक्स पे बना हुआ है, इसलिए अब 10 के विक्स पे अभी वापस हाई नहीं बनेगा, वो वन टाइम ही होता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट नोटिस करने का। तीसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 48,200 के आसपास, ये आज का रेजिस्टेंस एरिया भी है, ये आज का हाथ बदला एरिया भी है और यही हमने आपको सुबह सुबह भी नोटिस बताया था। कई बार तो हमें भी कि हमारे लेवल इतने सटीक कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन कई बात क्या ठीक है, हो रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। तो 48,200 के आसपास आके आप रेंज में रोकोगे, एग्जैक्टली वहीं रोक रहा है, मार्केट आज ही क्लोजिंग कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीडरशिप की क्राइसिस फिर से मार्केट के अंदर दिख रही है, लीडर पैदा नहीं हो रहे। HDFC दिखाओ स्क्रीन पर जल्दी से, रिलायंस दिखाओ स्क्रीन पर, TCS दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ, HUL के तो कल नंबर ही आने, उनको दिखाओ स्क्रीन पर, तो आपको कोई भी शेयर में ऐसा दिखेगा नहीं कि जो लीडरशिप के तौर पर बहुत ज़बरदस्त या आज एक तरफा चल रहा हो। हाँ, चला कौन है, जैसे आज UBL चला, आज मेटल वाला पूरा एक सेगमेंट चला, लेकिन वो बाज़ार के अंदर कन्विक्शन नहीं लौटा सकते, बाज़ार को नए लेवल पे नहीं लेके जा सकते, वो सेक्टोरियल चर्निंग के पार्ट होते हैं, सिर्फ ये समझने की बात है आपको। इसलिए किसी ना किसी लीडर की ज़रूरत पड़ेगी और जो मैंने सभी के सभी शेयर फायर करवा के आपको चेक भी करवा दिया। अब आप दिखाओ जरा एडवांस डिक्लाइन वाली रेशो, जिसके अंदर F&O के शेयर्स आते हैं, आप वो रेशो भी चेक करोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बाज़ार आज था तो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं जता पाया।
सुबह की रेशियो थी 1:3 की, अभी की रेशियो है ऑलमोस्ट 1:2 की। तो जो 1:3 की रेशियो से हम स्लाइटली नीचे आए हैं तो स्वाभाविक से बात है बाज़ार का थोड़ा नीचे आना ही था, ठीक है। अच्छा, ये या तो बाज़ार नीचे आएगा या तो रेशो नीचे आएगी। कई बार क्या होता है, पहले रेशो नीचे आती बाद में लेवल एडजस्ट होते हैं इंडेक्स पे, आप वो चीज़ नोटिस किया कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको ज़रा बता देता हूँ जो मेरे को लगा, वो स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडाइसिस एक बार दिखाएं। स्मॉल कैप के इंडाइसिस में ना आज सुबह सुबह नया रिकॉर्ड बन गया था, और उसके बाद आज दिन भर में इसने किसी ना किसी तरह से अपने आप को मेंटेन करने की भी कोशिश की है। मिड कैप का और स्मॉल कैप का दोनों का इंडेक्स दिखाओ, दोनों का परसेंटेज भी दिखाना, उसमें आता है परसेंटेज, तो दोनों ठीक बंद हुए हुए हैं। या बैंक निफ्टी के सवाल वो दी। एक और चीज़ आप जिसमें इसी शीट पर नोटिस कर लीजिए, वो एडवांस डिक्लाइन। तो बाजार में फटीक नहीं है, थकावट नहीं है, कमजोरी नहीं है, बाजार को फ्यूल की कमी है कि मैं चलूंगा तो चलूंगा किस, मैं शॉर्ट कवरिंग तक तो यहाँ तक आ गया हूँ, आगे का रास्ता तो दिखाओ। आगे का रास्ता दिखाने के लिए रिलायंस, HUL, L&T, इन्फोसिस, TCS ये सब एब्सेंट है, उसका हाथ नहीं पकड़ रहा है। इसलिए क्या कर रहा है वो, थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा उधर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। और हमें लग रहा है कि इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, इधर लगेगा तो नीचे जाएगा, सिर्फ इतना हो रहा है। अगर आप पिक्चर के हिसाब से अपने दिमाग में पिक्चर डालेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस समय किस जगह पर आके रुक गया है। कैरेनी हाउस स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत किसी भी चीज़ की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है थोड़ी वेटेज की और थोड़ा बहुत कन्विक्शन की न्यू फ्यूल की। देखते हो मार्केट को कब मिलता है कंसोलिडेशन, हो सकता है लंबा भी चल जाए, ये आज भी चल जाए, कल भी चल जाए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये चल जाए। एक और चीज़, अब आप हर रोज की एक्सपायरी के लिए तैयार हो या कीजिएगा, मंगलवार को फिन, बुधवार को बैंक, बृहस्पतिवार को निफ्टी, और अब शुक्रवार की भी निफ्टी आ गई है नेक्स्ट 50, तो वहाँ का 10 का लॉट साइज से रिडक्शन हो चुका है। इसके बारे में अपने डीलर से, अपने ब्रोकर से अच्छे से समझ लीजिएगा और ये भी एक ट्रेडेबल इंडेक्स आपके लिए हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कुणाल परार, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। जतिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। सुदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कूल और शांत तरीके से हो गई है, कल निफ्टी की बारी है। देखते हैं जैसे बैंक निफ्टी ने अपने अपर एंड को टच किया 48200 को, क्या निफ्टी कल 450 की रेंज को टच करेगा, पार करेगा। इसी क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं है, ना ही रात को उठ उठ के ग्लोबल मार्केट देखना है। सुबह आ जाना 8 बजे, आपके सामने सारी बातें रख देंगे। मेरे को अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।